हैं डाकू राघव साइया उसे मार न सके कोई। ऐसा ही कुछ छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बायहातू गांव में घटा, जहां हाथी के हमले में महिला घायल हो गई। घायल अवस्था में पड़ी महिला को मरा हुआ समझ पाते हुए उसे एक बार जीवन दान मिल गया। घटना स्थल से महिला को वन विभाग की टीमों ने उसे उठाकर गोवा सेल अस्पताल भर्ती कराया। घटना शुक्रवार शाम 6 बजे की है। बायहातू गांव की 50 वर्षीय महिला खोड़ो चंपिया अपनी 30 वर्षीय बेटी जानू चंपिया के साथ वहां से पानी लेने के लिए गई हुई थी। पीछे से अचानक एक जंगली हाथी उसके सामने आ गया। हाथी को देख महिला की बेटी जानू चंपिया डर से भाग गई। इतने में उसकी माँ भी हाथी को देखकर भागने लगी और पत्थरों से चोट लगकर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। हाथी महिला के पास आकर मरा हुआ समझकर उसे छोड़ जंगलों की ओर चला गया। उसकी बेटी जानू चंपिया ने घर आकर गांव वालों को बताया। गांव वालों ने उसे उठाकर घर लाया और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने घायल महिला को बायहातू उसके घर से उठाकर गोवा सेल अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में गोवा वन विभाग पदाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बताया कि वह वन विभाग की ओर से उसकी चिकित्सा की जाएगी, साथ ही वन विभाग के द्वारा उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। इस घटना में महिला के बर्तनों को पूरी तरह हाथी ने कुचल दिया। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.